पर भी हमारी कितनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे पंजतन पाक के सदके में। बड़ा अच्छा एक मैसेज है ये, और ये देख रहा हूँ मैं हिंदू मुसलमान भाई सब हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह लेते रहेंगे ता कयामत तक, क्योंकि चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मदरसा हो, चाहे खानकाह हो, चाहे दरसगाह हो, ये दोस्तों हमारे जो हम लोग कमाते हैं उसका हिस्सा फर्ज बनता है। जबकि इस महफिल में मुझे बताया कमेटी में बनाने के जुनैद भाई ऐसे भी लोग बैठे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा चाहे तो बनवा सकता है, मगर वो जब सबके हैं तो सबका हक भी लगना चाहिए। वो सरवर आलम नबी मुकर्रम को हिजा रहबर हुआ है ना होगा, नबी तो हजारों हुए हैं जहां में मोहम्मद से बढ़कर हुआ है ना होगा, मोहम्मद से बढ़कर हुआ है ना होगा, मोहम्मद से बढ़कर हुआ है ना होगा, मोहम्मद से बढ़कर हुआ है ना होगा। यहां तक तो पहुंचा कमाले मोहम्मद के नूरे खुदा है जनाबे मोहम्मद को ही लाएगा क्या मिसाले मोहम्मद, ना जब था ना जब है जवाबे मोहम्मद, न जब था न अब है जवाबे मोहम्मद। मुझे भी उसी रंग में थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें हल्की सी, क्योंकि
सदन सरकार का है समझ लेना, शिकायत कर दूंगा जाके ललितपुर जाके। थोड़ी सी आवाज, मुझे भी उसी रंग में रंग दे मौला के जिस रंग में थे बिलाले मोहम्मद, मुझे भी उसी रंग में रंग दे मौला के जिस रंग में थे बिलाले मोहम्मद, मुझे उसी रंग में रंग दे मौला के जिस रंग में थे बिलाले मोहम्मद, मुझे भी उसी रंग में रंग दे मौला के जिस रंग में थे बिलाले मोहम्मद। तमाशा तो देखो जहन्नुम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नुम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नुम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, देखो जहन्नुम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। कयामत में शान सखावत तो देखो, सखावत तो देखो, जो पकड़े खुदा तो छुड़ाए मोहम्मद, जो पकड़े खुदा तो छुड़ाए मोहम्मद, जो पकड़े खुदा तो छुड़ाए मोहम्मद, जो पकड़े खुदा तो छुड़ाए मोहम्मद। नात आपकी जिम्मेदारी है सुनना, क्योंकि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज अच्छी सुनते हैं। कि हमारी इतनी खताओं पर भी अभी कोई आएगा 500 का लेके। आप तो अच्छा है, मोदी जी ने हमारे 2000 के चला दिए। चचा चचा मतलब सुन के जाओ मेरी जान। हमारी इतनी खताओं पर भी, हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। हाजी साहब, हाजी साहब की वजह से मुझे आना आगे आना पड़ेगा। और तमाम मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो स्टेज पर से सदका रसूल दे रहे हैं। और मैं जितने नौजवान आगे बैठे ना, जितनी मस्ती में हूँ, ये सरकार की चादर है। हलाल हलाल में जाता है और तो फिर इसमें हिस्सा लेना है, भले ही 10 रुपए का ले। हमारी हाजी साहब, हमारी इतनी खताओं पर भी, हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदी।
बच्चों ए लुटाने वालों सुनो मेरी बात, देखो लुटाने वालों की औलादे हो, लुटाने वाले लूटते नहीं है, समझ गए मैंने क्या बोला आप लोगों से? लुटाने वाले लूटते नहीं है, हम कौन है? लुटाने वाले हम। तो जितना पैसा नीचे गिरे आप अदब से चूम के उसको झोली में डालो, बाबा की झोली, समझो बात को। हमारी बस हाजी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी इतनी ही खता पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, गिरा रहे हैं समाने वाले, गिरा रहे हैं समाने वाले, गिरा रहे हैं समाने वाले, उठा रहे हैं नदी रसूल अता करने झोली में आई है। और भाई मैं देख रहा हूँ केदर के जितने नौजवान हैं हिस्सा लेना क्योंकि हाय हाय सुभान अल्लाह। देखो दोस्तों जो उर्स होता है, क्या क्या नाम है सर आपका? क्योंकि जब सरकार का उर्स होता है, जब महबूब का उर्स होता है, तो महबूब के महबूब तशरीफ लाते हैं। क्योंकि महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते सरकार का उर्स मनाया जा रहा है। ये हजरत इलाइशा रहमतुल्लाह अलैह, इलाइशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो टीकमगढ़ के बड़े प्यारी हस्ती हैं, तो ये उर्स जब मनाया जाता है तो अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाते हैं अपने महबूबों में। क्योंकि हाँ बेटा सुभान तुम्हारा काम शुरू हो गया, इधर आइए। हाँ वो जो शेर है राहत साहब का पढ़िए, भाई को सुनाइए। अमीने सोजो, राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि अमीने सोजो सकाबी, अमीने सोजो सकाबी यही कहीं होगा, शफीए रोजे जजाबी यही कहीं होगा, ये नाते पाके रसूले खुदा की महफिल है, मुझे यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा।
تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چار خلیفہ بزرگوار نبی کریم کے چار خلیفہ کون کون؟ صدیق با صفا نے صداقت سمیٹ لی صدیق با صفا نے صداقت سمیٹ لی حضرت عمر نے شان عدالت سمیٹ لی حضرت عمر نے شان عدالت سمیٹ لی پھر سے گزارش کروں گا کیونکہ یہ ہندو مسلم ایکتا کا پرتیک ہے یہاں ہر مذہب کے انسان موجود ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگ پان بیڑی سگریٹ گٹکے میں 5-10 روپے پھینک دیتے ہیں کھا کر کے اگر ہم اس میں حصہ لیں گے تو یہ تو آپ جانتے ہو بزرگوں کے معاملے ہیں تو میں چاہوں گا ایک بار آپ سب مل کر کے حصہ لیں اس میں جہاں بھی کھڑے ہیں کیوں صدیق با صفا نے صداقت سمیٹ لی حضرت عمر نے شان عدالت سمیٹ لی عثمان غنی نے شان سخاوت سمیٹ لی عثمان غنی نے شان سخاوت سمیٹ لی عثمان غنی نے شان سخاوت سمیٹ لی حضرت علی نے شان شجاعت سمیٹ لی حضرت علی نے شان شجاعت سمیٹ لی نانا کے دو بے شک مدینے والے میری حقیقت میری کہانی میری حقیقت میری کہانی میری حقیقت میری کہانی بس اتنی ہے میری زندگانی مبارک کا بڑا پیارا جو نیک ہیں ان کو اپنی جانب جو نیک ہیں ان کو اپنی جانب اے بلا رہی ہے خدا کی رحمت بابا کی جھولی میں وارجی صاحب کیا نام ہے ان کا وارجی صاحب کا ہمارے ایوب بھائی میں دیکھنا چاہوں گا اتنے بڑے مجمع میں ایسا کون شخص ہے کہ جو 1000 روپے سرکار کی جھولی میں لے کے آتا ہے
अभी आप मत आना, मगर अभी मत आना आप, मगर मैं नौजवानों में से बुजुर्गों में से देखना चाहता हूँ कि सरकार की झोली में टीकमगढ़ है कोई आम जगह नहीं है, कि सरकार की झोली में 1,000 रुपए कौन लेके आता है। कमेटी वालों में भी हैरान कर रहा हूँ जरा मैं, जो नेक है उनको अपनी जानिब बुला रही है खुदा की रहमत, बुला रही है खुदा की रहमत, बुला रही है खुदा की रहमत, जवां सब जाएंगे जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता, जवां सब जाएंगे जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। क्या नाम है चाचा आपका, क्या नाम है आपका? वसीम कमानी वाले चाचा, अपनी जवानी में बड़ा नाम मशहूर होगा वसीम कमानी। अरे अच्छा, सुभान अल्लाह, सरकार के खादिम है, मजार की सेवा करते हैं, उनकी तरफ से ये 1,000 रुपए का नजराना आता हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना चाहूंगा कि 2,000 किसकी तरफ से आते हैं भाई, 1,000 तो आ गए। अरे हिम्मत बांधो पहलवान, हिम्मत बांध के नारे तकबीर, हिम्मत बांधो, क्योंकि ये मेरे बाप के लिए चंदा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेरे आका की मजारे अक्दस में जो काम होना उसका चंदा है। कभी कोई समझे जुनैद भाई क्या ना, भूले से भी मत भूलना, क्योंकि कव्वाल को अपने पैसे अच्छे लगते हैं आते हुए। मैं तो सरकार के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरी हाजिरी ऐसी कबूल हो जाए सरकार में। तो जो नेक है उनको अपनी जानिब बुला रही है खुदा की रहमत, बुला रही है खुदा की रहमत, गुनाहगारों को अपनी जानिब, गुनाहगारों को अपनी जानिब, गुनाहगारों को अपनी जानिब, बुला रहे हैं मदीना। भाई हमारे पहलवान के लिए जरा सुभान अल्लाह कहिए, क्या नाम है पहलवान? शुक्र है जुनेद ने। भाई जुबैद भाई की तरफ से 2,000 रुपए अता हुए हैं, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मुझे मुझे इशारा हुआ है पब्लिक में से, कमेटी वालों ने कुछ नहीं कहा मुझसे, बाखुदा बाईमान, पब्लिक में से कुछ लोगों का इशारा हो रहा है कि जुनेद भाई 5,000 वाले भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इंतजार में बैठे जब के भाई हर किसी को अल्लाह ने उसके हिसाब से नवाजा। भाई 5,000 रुपए का सवाल है, अब देखना चाहूंगा टीकमगढ़ वालों, समझ लो नौजवानों, क्या आप कौन सा ऐसा दिलेर सरकार का चाहने वाला बैठा महफिल में। हमारे मंत्री जी, सर मैं आपका बच्चा, आपको आवाज दे रहा हूँ, यहाँ कुछ ऐसे भी बैठे हैं कि जो 5,000 रुपए का नजराना लेके आएंगे, 2,000 रुपए तक बात हो गई है। अरे वाह, अरे वाह, आ रहे कोई? अच्छा कोई साहब आ रहे हैं महफिल में, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़े बड़े छुपे रुस्तम बैठे भाई टीकमगढ़ में, बहुत शुक्रिया साहब। हाँ बबलू भाई की तरफ से, किसकी तरफ से, सॉरी नाम बताइए प्रजी, यादमान सिंह जी मंत्री साहब की तरफ से ये 5,000 रुपए अता हुए भाई, कह दीजिए सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जबान की बात रखी। और ये भाई इसमें, हाँ भाई अब 10,000 रुपए वाला कौन है? नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, अभी एक शेर बैठा है हमारा, बाद में बुलाऊंगा, क्योंकि खुदा का शुक्र शहे मशरकैन वाले हैं
खुदा का शुक्र शायद मशरिकैन वाले हैं, ये जितने बैठे हैं सारे हुसैन वाले हैं। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ कोई कम नहीं बैठा हुआ, सारे मजहब के, सारी कौमों के, चाहे वो कुरैशी हो, अंसारी हो, तमाम लोग बैठे हुए यहाँ पे। तो देखना है 10,000 रुपए का नजराना, शायद ये काली शर्ट वाले आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, 10,000 रुपए का सवाल है भाई। अब देखना चाहूंगा, क्योंकि जब तक बोल नहीं खोलूंगा शेर का। हाँ, या रसूल अल्लाह, आका मदीने वाले, वो भूल कर वो बला की खातिर खिला रहे हैं। वाले तो बोलो, टिकटॉक बाद में बनाइयो, बोल जल्दी से, बोल मेरे साथ, पत्पति पत्पति भूल भूल, हे आका मदीने